हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर पार्ट्स व्हाइल इन सम प्लांट्स दे फर्स्ट अपीयर इन यंगर पार्ट्स। हमने पिछली वीडियो में आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताए थे, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, डिलेड फ्लावरिंग, इनहिबिशन ऑफ सेलुलर डिवीजन। अब ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स ओल्डर पार्ट्स में पहले होंगे या यंगर पार्ट्स में होंगे? कुछ प्लांट्स में ये ओल्डर पार्ट्स में पहले सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ प्लांट्स में ये यंगर प्लांट्स में पहले दिखाई देते हैं। यही कंसेप्ट है हमारा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वाई द डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर इन ओल्डर पार्ट्स इन सम प्लांट्स व्हाइल इन यंगर पार्ट्स इन सम प्लांट्स। द प्लांट पार्ट इन विच अ डेफिशिएंसी सिम्टम अकर्स depends on the mobility of deficient element in the plant. Symptoms, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा, यह डिपेंड करता है कि जो deficient chemicals हैं उनके moment, उनके mobility पे depend करता है। वो कहाँ को move कर रहे हैं, older parts की तरफ move कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, younger parts की तरफ move कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पहली रीज़न जो है इस पर ही डिपेंड है। एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो हैं ये बहुत हाईली मोबाइल होते हैं, मींस दे मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। दीज एलिमेंट्स मूव फ्रॉम द मेचर ऑर्गन टू द यंगर पार्ट्स ऑफ द पार्ट। ये एलिमेंट्स मेचर पार्ट से यंगर पार्ट्स की तरफ जो है मूव करते हैं। देयरफोर डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट फर्स्ट अकर इन ओल्डर पार्ट्स। क्लियर है बिल्कुल कंसेप्ट। नॉर्मली नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो हैं ये मोबाइल एलिमेंट्स हैं, मींस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द यंगर पार्ट्स। अब ये ओल्ड पार्ट्स से मूव कर जाते हैं यंगर पार्ट्स की तरफ। जब ओल्ड पार्ट से यंगर पार्ट्स की तरफ मूव कर गए तो ओल्ड पार्ट्स में उनकी डेफिशिएंसी हो गई। जब डेफिशिएंसी हो गई तो उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट्स में जो सिम्टम्स हैं वो पहले ओल्डर पार्ट्स में अपीयर होंगे। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम और सल्फर, ये मूव नहीं करते हैं। ये जहाँ होंगे तो वहीं रहेंगे। दे आर इमोबाइल एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ ओल्डर पार्ट्स। अगर ओल्डर पार्ट्स में हैं तो ये ओल्डर पार्ट्स में ही रहते हैं। अब ये मूव नहीं करेंगे। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ चले गए थे, लेकिन ये जो कैल्शियम और सल्फर है ये ओल्डर पार्ट्स में अगर हैं तो, क्योंकि ये मूवमेंट ही नहीं करते हैं तो ये ओल्डर पार्ट्स में ही रहेंगे, यंगर पार्ट्स की तरफ जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यंगर पार्ट्स में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है यंगर प्लांट्स में पहले दिखाई देंगे। दिस इज द बेसिक रीजन दैट इन सम प्लांट्स द डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर पार्ट्स व्हाइल इन सम प्लांट्स द डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर इन यंगर पार्ट्स। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। What is the mechanism of mineral absorption in plants?
प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ आयन्स फ्रॉम द सॉइल. इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब मिनरल्स दे शुड बी डिजॉल्व्ड इन वाटर. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स थ्रू रूट्स. लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स मोर द मिनरल गेट एब्जॉर्ब. ये कंसेप्ट भी हमने पीछे आपको बता दिया है कि मिनरल जो हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन मिनरल जो हैं वो पानी में डिजॉल्व होने चाहिए. जब तक मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तब तक रूट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो रूट्स जो हैं जितनी ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा उनका कम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया होगा, उतनी ज़्यादा मिनरल जो हैं वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे. अब इसके दो मोड्स हैं, एक है पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन और एक है एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन. जहाँ तक पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी एंड अकर्स अलॉन्ग द ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन. सिंपल सी बात है, अगर पानी की टंकी छत पर है तो छत से पानी नीचे आने के लिए हमें कोई मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर पानी नीचे से हमने छत की तरफ लेना है तो हमें मोटर लगाने पड़ेगी, एनर्जी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी. पैसिव एब्जॉर्प्शन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इसमें किसी तरह की कोई एब्जॉर्प्शन या एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. लेकिन अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन मींस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है और प्लांट में ज़्यादा है, या प्लांट में पानी ज़्यादा है और बाहर कम है. अब ऐसी सूरत में अगर पानी को एब्जॉर्ब करना है या मिनरल को एब्जॉर्ब करना है तो इसके लिए एनर्जी इन्वॉल्व होने पड़ेगी. वही एग्जांपल कि अगर हमने दूसरे तीसरे छत पे पानी चढ़ाना है तो उसके लिए हमें मोटर लगाने पड़ेगी, एनर्जी लगाने पड़ेगी. तो प्लांट्स में जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल होता है तो देन इट इन्वॉल्व्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट अकर्स बोथ अलोंग एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो पानी भी आ जाएगा और मोटर डायरेक्ट वाला पानी जो है उसको भी सप्लाई कर देगा, मोटर से जो भी करेगा. मींस कि ये ऐसा नहीं है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाला जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा. एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है दोनों अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन और ग्रेडियंट कंसंट्रेशन दोनों की मूवमेंट कर सकते हैं. एक में डिफ्यूज़न हो जाता है, एक में ऑस्मोसिस हो जाता है. और इनके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, दैट इज फ्लक्स एंड ई फ्लक्स. व्हाट इज फ्लक्स एंड व्हाट इज ई फ्लक्स? द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन्स टू एंड फ्रॉम द सिंपलेस्ट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. आयन्स की एंट्री हो या उनको एग्जिट करना है, सिंपलेस्ट एपोप्लास्ट और सिंपलेस्ट दो पाथवेज मैंने बताए थे आपको पिछले वीडियोस में. उसके लिए चाहे आयन्स की एंट्री हो रही है चाहे उसका एग्जिट हो रहा है, उसके लिए इसको एनर्जी की मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इस टाइप के आयन्स की मूवमेंट को फ्लक्स कहते हैं. ई फ्लक्स जो है
वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया कुछ कंपाउंड्स को सेल से बाहर निकालते हैं जो नॉर्मली टॉक्सिक होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया हमारे लिए जहाँ इन्फेक्शन करते हैं वो फ्रेंडली भी होते हैं। जिसका स्टोमक खराब होता है उसको बोलते हैं जी दही खाओ, कर्ड ले लो, कर्ड में बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और मिल्क को कर्ड में चेंज करने में हेल्प करते हैं। विदाउट बैक्टीरिया जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। सिमिलरली डिकम्पोजिशन है बैक्टीरिया के बिना नहीं हो सकती है। तो बहुत से फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया प्लांट में भी होते हैं और ये प्लांट में क्या करते हैं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्लांट सेल में तैयार हो जाते हैं उनको सेल से बाहर धकेल देते हैं, उसको ई फ्लक्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट इनवर्ड मोमेंट ऑफ आयॉन्स इज इनफ्लक्स एंड आउटवर्ड मोमेंट इज इफ्लक्स। अगर आयॉन्स सेल की तरफ एंटर कर रहे हैं, मतलब जो है बेनिफिशियल आयॉन्स सेल की तरफ एंटर कर रहे हैं तो उसको फ्लक्स कहेंगे, और अगर हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको सेल से बाहर एग्जिट करना है तो उसको इफ्लक्स कहेंगे। आई थिंक द कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।